काले धन पर कड़ा प्रहार करते हुए सरकार ने विमुद्रीकरण का साहसिक फैसला लिया। इस निर्णय से जहां भ्रष्टाचार, नकली मुद्रा और आतंकवाद की फंडिंग पर लगाम लगाना सहायक साबित हुआ, वहीं हम धीरे धीरे लेस कैश अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगे। हाल ही में लॉन्च हुए भीम ऐप को 25 करोड़ लोगों ने अपनाया। इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बजट में 2 नई योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। आम जनता के लिए रेफरल बोनस योजना और व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए कैशबैक योजना, ताकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल सके। जिनके पास डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यहां तक कि मोबाइल भी नहीं है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आधार से भुगतान प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। एक अंगूठे के क्लिक से अब आप भुगतान कर पाएंगे। 2017-18 तक सरकार UPI, USSD, आधार भुगतान के लिए 2500 करोड़ के लेन देन भुगतान का मिशन प्रस्तावित कर चुकी है, जो कि उसकी प्राथमिकता में शामिल है। वहीं ज्यादा से ज्यादा बैंकों का डिजिटल स्वरूप बदला जाए, इसके लिए मार्च 2017 तक बैंकों को 10 लाख नए POS टर्मिनल शुरू करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे सितंबर 2017 तक 20 लाख करने का उद्देश्य है। साथ ही बैंकों में नकदी प्रवाह बढ़ने के कारण लघु उद्योग जगत को उचित ब्याज दरों पर ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। काले धन पर शिकंजा कसने के लिए सरकार द्वारा गठित SIT ने 3 लाख रुपए से अधिक लेन देन नहीं करने के प्रस्ताव को भी बजट में हरी झंडी दिखाई गई है। धार्मिक संस्थानों में नकद दान की सीमा को 10,000 से 2,000 पर निर्धारित किया गया है। वहीं डिजिटल कायाकल्प से जुड़ने के लिए अब गांव भी दूर नहीं है। करीबन 1.5 लाख गाँव का डिजिटल कायाकल्प किया जाएगा। डिजी गाँव में स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल के बेहतरीन विकल्प मौजूद होंगे। राजनीतिक दल एक व्यक्ति से 2,000 रुपए से अधिक नगद चंदा नहीं ले सकते। इससे भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।